स्वागत है दोस्तों गीक पन में। आज है हमारा वीडियो DHCP सर्वर कैसे बनाते हैं 2012 में। तो हम लोग को जाना है सर्वर मैनेजर में और यहाँ पे हम लोग को ओपन कर लेना है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में हम लोग को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप में रोल बेस्ड है यहाँ पे, और सर्वर सिलेक्शन है तो हम लोग सर्वर सिलेक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। अपना कंप्यूटर का नाम यहाँ दिखा रहा है हमारा सर्वर का, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे आपका DHCP सर्वर। और यहाँ पे ऐड फीचर्स करेंगे, ये रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल, DHCP सर्वर टूल्स, ये सब ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। फिर नेक्स्ट हम लोग को करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्ट होना चाहिए DHCP सर्वर में। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे, उसके बाद रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर हम लोग करेंगे, ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड यस कर लेंगे। और इंस्टॉल इसको हम लोग करेंगे, तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, 2 मिनट के लगभग में। सबसे इजी है DHCP सर्वर इंस्टॉल कर लेना, और ये चाहे तो अपने ऑफिस वगैरह में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, घर वगैरह में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉनिटर करना इससे इजी होता है दोस्तों, PI में भी आप बना सकते हैं, पुराने कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। इससे होगा क्योंकि राउटर आपका जो है फ्री रहेगा, IP वगैरह जो है वो आपका DHCP सर्वर के थ्रू देगा। तो बाई डिफॉल्ट ये राउटर में फीचर रहता है, बट हमने नॉलेज के लिए बता दिया कि पहले ये यूज़ होता था, आज भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में LAN वगैरह में यही यूज़ होता है डोमेन कंट्रोलर में। तो देखिए इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका पूरा, और उसके बाद हम लोग स्कोप वगैरह बनाएंगे। तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का मैसेज हमारा आ गया, उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर दोबारा से, ये देखिए फिर हम लोग दोबारा से आएंगे, DHCP MGMT.MSC लिखेंगे, और हमारा जो है DHCP मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का नेम रहा, तो इस पर हम लोग को देख लीजिए यहाँ पे IPv6 और IPv4 दोनों हम लोग बना सकते हैं। तो सर्वर ऑप्शन में जाके बहुत सारा चीज़ रहता है, तो बट हमने बहुत आसानी से बताया है यहाँ पे। तो एड न्यू स्कोप करना है आपको, यहाँ पे स्कोप में अपना नाम दे देंगे आप अपने अनुसार, तो हम लोगों ने अपना नाम ही लिख दिया यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में होम नेटवर्क लिखा है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और स्टार्ट IP एड्रेस 192.168.90. हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं 5 से ही शुरू कर रहे हैं, और इंड IP एड्रेस करेंगे 90.10, यानी कि 5 ही हम लोग को कंप्यूटर का IP चाहिए इससे। और यहाँ पे सबनेटिंग जो है अपने अनुसार हम लोग चेंज कर लेंगे, 24 है तो इसको हम लोग 224 वाला लेंगे पुल, यानी कि ये इसका जो है देखिए यहाँ पे स्लैश अभी 254 यहाँ पे 31 आ रहा है, तो इसको हम लोग कम करेंगे, तो यहाँ पे 224 आया, 27 हम लोग का स्लैश आ गया। उसके बाद स्कोप में यहाँ पे एक्सक्लूजन, जिसको एक्सक्लूज हम लोग जिसको नहीं चाहते कि वो IP दे तो यहाँ पे हम लोग देंगे। और यहाँ पे लीज कितने देर के लिए DHCP सर्वर चाहिए वो हम लोग देंगे, और ये ऑप्शन हम लोग का आएगा गेटवे का, तो यहाँ पे हम लोग गेटवे का अपना IP डाल देंगे। तो ये रहा हमारा गेटवे का IP, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। गेटवे यानी कि अपना राउटर है उसका, और उसका डोमेन जो है, अगर डोमेन है आपका नेटवर्क में तो 90.25 हमारा DNS है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका DNS यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका डोमेन रहेगा कंट्रोलर तो वो डालेंगे, विन सर्वर में कुछ नहीं डाल रहे हैं। और ये हम लोग अभी ही ये स्कोप एक्टिवेट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसको, और ये फिनिश हो जाएगा हमारा। उसका चलिए इसमें और भी मैं बता देता हूँ, इसमें स्कोप वगैरह के नीचे में बहुत सारा चीज़ रहता है, कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे तो देख लीजिएगा अभी दोबारा से। तो DHCP मैनेजमेंट हम लोग दोबारा से चलते हैं, और यहाँ पे ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे लॉग डेटाबेस इसका पाथ देखिए यहाँ पे सारा सेव होता है, बैकअप यहाँ पे रहता है। और IPv4 का यहाँ पे देखिए स्कोप है, स्कोप का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखाएगा जो हम लोगों ने बनाया सारा। DNS का यहाँ पे बताएगा, अगर आपको ऑलवेज डायनेमिकली अपडेट करना है तो नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे। PTR वगैरह अपडेट का यहाँ पे रहता है ऑप्शन, बूट पी रहता है यहाँ दोस्तों, अगर रिस सर्वर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने रिलेशन में तो उसके लिए है। और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे देखिए एक्सेस प्रोटेक्शन है, उसके बाद है फेलओवर है, जनरल वगैरह है। और इसमें हम लोग कैसे उसको टेस्ट करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद देखिए एड्रेस लीजिए, जो भी हमारा एड्रेस मिलेगा लैन में वो सब यहाँ पर दिखाएगा, और रिजर्वेशन जो रिजर्व करेंगे वो दिखाएगा। स्कोप का देखिए वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, हम लोग यहाँ से दोबारा चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, रिकनसाइल करके हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो डेटाबेस इज कंसिस्टेंट यानी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है।
अब चलिए हम लोग लीजेज में देखते हैं और हम अपना क्लाइंट एंड पे कंप्यूटर वगैरह को देखते हैं, आईपी देख के इस डीएचसीपी सर्वर से। तो देखिएगा यहाँ पे उसका मैक वगैरह सारा नाम वगैरह आ जाएगा। तो थोड़ा वेट हम लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए अभी हम लोग का डेस्कटॉप जो था 90.6, ये हमारा विंडोज 10 का कंप्यूटर है और ये डीएचसीपी से आईपी इसको असाइन हो गया है। और 12/8/2021 2:42:55 रात में जो जितना घंटे का लिस्ट टाइम था वो दिखा रहा है। एंड्रॉयड को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना कनेक्ट करने का, तो वो भी दिखा देगा हमारा नोट 8 प्रो। थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा नोट 8 प्रो भी यहाँ पे आ गया है। तो ये था दोस्तों डीएचसीपी हम लोग कैसे बनाते हैं काफ़ी इजी तरीके से लैन में। और कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर का भी मैं दिखा दे रहा हूँ सेटिंग, उस पर कैसे इसको आईपी मिला है, ताकि जो है इजी रहे समझना। ये तो सर्वर एंड पे। तो ये रहा हमारा क्लाइंट कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे हम लोग इथरनेट में चलते हैं और इस कोड हम लोग एक बार ये 90.6 जो है 90.1 से लिए हुए अभी, और 90.25 ही है इसका आईपी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।